नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। मुल्टी की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आ रही है। प्रदेश में ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है। केजीएमयू में ब्लैक फंगस के 545 मरीज मिले हैं और अब तक 545 ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती भी हो चुके हैं। 24 घंटों में 8 रोगियों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। तो कोविड-19 के बाद ब्लैक फंगस ने अपने पैर पसारना सूबे में शुरू कर दिया है। 545 ब्लैक फंगस के मामले मिले हैं, सभी अभी उपचाराधीन हैं और इसके साथ साथ हालांकि 24 घंटे में 8 रोगियों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। तो कोविड-19 के बाद आपको बताते चलें, जिस तरीके से राज्य में ब्लैक फंगस के मामले बढ़े थे, उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं रह गया और लखनऊ में लगातार ब्लैक फंगस के मामले निकल सामने आ रहे हैं। केजीएमयू में ब्लैक फंगस के 545 मरीज जो है वो भर्ती हैं और आपको बताते चले 24 घंटों में डिस्चार्ज हुए 8। इटावा से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। दबंगों ने थोक व्यापारी से मारपीट की है। पुलिस के सामने व्यापारी की पिटाई की गई है। व्यापारी को पिटता देख आपको बताते चले, पुलिस जो थी वो तमाशबीन बनकर वहां पर खड़ी रही और सारा तमाशा देखती रही। पुलिस ने पीड़ित का ही चालान काट दिया। 151 में चालान पुलिस के सामने का है, वीडियो वायरल हो रहा है और आपको बताते चले सदर कोतवाली के रामलीला रोड का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस मूक दर्शक बनके खड़ी रही और पीड़ित का ही चालान 151 में काट दिया गया है। तो बड़ी खबर इटावा से सामने निकल के आ रही है। पुलिस के सामने युवक की पिटाई होती रही, जमकर पीटा गया और इस पूरे मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला सदर कोतवाली के रामलीला रोड का मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस जो है वो हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई थी और दबंगों ने थोक व्यापारी से मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। और यहां पर हैरान करने वाली बात यह है कि व्यापारी का ही पुलिस ने चालान काट दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। विधानसभा चुनाव में इस साल भारी जीत के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तृणमूल कांग्रेस आज शहीद दिवस मनाएगी। अपने सबसे बड़े वार्षिक कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाषण का प्रसारण अलग अलग राज्यों में किया जाएगा। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे शुरू होगा। टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया है कि बनर्जी के भाषण को पश्चिम बंगाल में बड़े पर्दे पर प्रसारित किया जाएगा और पहली बार तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, त्रिपुरा, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों में भी इसे दिखाया जाएगा। उन्होंने बताया है कि पश्चिम बंगाल में भाषण बंगाली में प्रसारित किया जाएगा, जबकि अलग अलग राज्यों में स्थानीय भाषाओं में अनुवादित भाषण प्रसारित किया जाएगा। टीएमसी नेता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गढ़ गुजरात में भी कई जिलों में टीएमसी की बनर्जी के भाषण को बड़े पर्दे पर प्रसारित करने की योजना है और उसने इस कार्यक्रम के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए गुजराती में पुस्तिका वितरित करनी भी शुरू कर दी थी। गुजरात में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बता दें कि देश भर में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दिन अंग्रेजों में तय समय से एक दिन पहले ही शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर चढ़ा दिया था। बंगाल में आज मनाया जाने वाला शहीद दिवस इससे अलग है। साल 1993 में कलकत्ता में युवा कांग्रेस की रैली में पुलिस की गोलीबारी में मारे गए 13 लोगों की याद में तृणमूल कांग्रेस हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाती है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। एसटीएफ टीम को बड़ी का सफलता हाथ लगी है। 40,000 के इनामी शरीफ को धर दबोचा गया है। 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कराकर ठगी की गई थी। कंपनियां बनाकर सैकड़ों लोगों को चूना भी लगाया गया था। एसटीएफ ने ट्रांसपोर्ट नगर से इनको गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आपको बताते चले आप तक पहुंचा रहा है। 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कराकर ठगी का मामला सामने आया है। हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कंपनियां बनाकर ये लोगों को सैकड़ों का चूना भी लगा चुके थे और आगे की रणनीति भी इनकी जारी थी। एसटीएफ ने ट्रांसपोर्ट नगर से इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया।
सुल्तानपुर का रुख करेंगे। रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर बैग मिला है, संदिग्ध बैग मिलने से इलाके में हड़कंप मच चुका है। पुलिस और प्रशासन मौके पर हालांकि मौजूद है और आपको बताते चले बरम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंच चुका है। बैग की जांच के बाद बैग में बैटरी मिली है। सुल्तानपुर जंक्शन के बाहर का ये पूरा मामला है, जहां पर संदिग्ध बैग मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। हालांकि आपको बताते चले बम निरोधक दस्ता जब पहुंचा और जांच की तो उसमें बैटरी मिली थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सुल्तानपुर से पहुंचा रहे हैं। बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है, अभी भी वहां पर छानबीन चल रही है। बैग की जांच के बाद बैग में बैटरी मिली है, इसकी जांच अभी भी की जा रही है। पुलिस वहां पर मुस्तैद है। सुल्तानपुर जंक्शन के बाहर का यह पूरा मामला है, जहां पर आपको बताते चले संदिग्ध बैग मिलने से लोगों में सनसनी फैल गई थी।